क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं क्या हुआ? नहीं जा रही हो? नहीं, शादी के बाद सारी लड़कियां तैयार होती हैं, आपको नहीं पता? नहीं। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, ये कपड़े सही करने। अब मैं कर देता हूँ। मैं कर लेता हूँ। मैं कर देती हूँ। नाश्ता कर लिए? तो मैं जारा को उठा दूं, आई नहीं अभी तक। कहाँ शॉप? सलीम, तुम वकील के पास जा रहे हो? जी मैम। अच्छा जरा रुको, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। कही? क्या बात करनी है आपने? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। देखो, घर की बात बाहर निकाल कर तुम सबसे बड़ी गलती करोगे। कैसी दादी हैं आप? आपको अपनी पोती पे रहम नहीं आता? रहम आता है, बहुत आता है, लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि बेटी को उठा के घर ले आए और ना आओ देखा ना ताओ देखा और तलाक की बात कर दी? दादो, हसन ने बार बार मुझ पे गुस्सा किया है और मुझे धक्का दिया है, तब यह हाल हुआ है। मेरा बच्चा, मैं सब देख रही हूँ, मुझे नजर आ रहा है उसने जो किया उसने गलत किया, लेकिन तुमने भी तो कुछ किया होगा ना, बताओ क्या किया था? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या किया है और क्या नहीं किया, उसे हक नहीं पहुंचता कि वो उसे उंगली भी लगाए। वाह जी वाह, ये तुमने खूब कही। ये तुम्हारे जैसी औरतें होती हैं जो बेटियों का घर बसने नहीं देती। घर बसाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मसलहत से काम लेना होता है। कैसी मसलहत? आप देख रही हैं उसका क्या हशर कर दिया उसने मार मार के, और फिर भी आप उसी की साइड ले रही हैं। और सलीम, आप क्यों बैठे हुए हैं अभी तक यहाँ पे? उठे ना, देर हो रही है, वकील के पास जाना है। हाँ मैं जा रहा हूँ। इसी तरह बात की होगी इसने हसन से? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो बीवी की जी हजूरी में लगा हो। मर्द है वो, उसको गुस्सा आ गया होगा। अम्मा, जो असली मर्द होते हैं ना, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं। जी, नजर आ रहा है तुम्हारा कितना कंट्रोल है बीवी पर। क्या मतलब? आप चाहती हैं कि वो मेरे पे हाथ उठाए? बीवी बदतमीजी करेगी तो शौहर और क्या करेगा? मैंने तो बदतमीजी नहीं की दादू, उसने फिर भी हाथ उठाया है ना मुझ पर। सुन रहे हो तुम? उसने, नौकर है वो तुम्हारा, उसने क्या कर शौहर के बारे में बात करते हैं? जरूर इसने कोई बदतमीजी की होगी जो उसका हाथ उठाए। वैसे कमाल है, सारी जिंदगी मुझे बातें सुनाते सुनाते अब आप उसे भी बातें सुनाना शुरू हो गई। मुझे लगता है जैसे पोती से ज्यादा आपके नजदीक वो सिर्फ बहू की बेटी है। देख रहे हो कैसे पटापट जबान चल रही है? इसने तो बीए किया है तो ये हाल है, तो सोच लो कि बेटी का क्या हाल होगा। दादो, आपको ये बातें कभी समझ नहीं आएंगी, ना ही मुझे आपसे कोई उम्मीद है, लेकिन मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। ये मेरी जिंदगी है और मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस तरह नहीं रहूंगी डर के सहम के धक्के खाकर, ठीक है? हाँ तो फिर मार खाने वाली हरकतें भी तो मत करो। अम्मा प्लीज बस कर देना, जब वो मान रहा है कि उसकी गलती है तो आप उसकी साइड क्यों ले रही हैं? वो खुद अपनी गलती मान रहा था तो फिर तुम उसे बेटी को घर उठा के क्यों ले आए? तुम तो होश से काम लो, तुमने मामला और ज्यादा खराब कर दिया। दादो, ये मेरी जिंदगी है, मैं वापस नहीं जाऊंगी और ना ही कोई जबरदस्ती कर सकता है।
हाँ जी, इतना कमाज हो रही हो माशाल्लाह, तुम्हें क्या जरूरत है किसी की बातें बर्दाश्त करने की। मैंने कहा था ना तुम दोनों से कि इसको इतना मत पढ़ाओ, ये खुद सर हो जाएगी। आज इसने हसन को बातें सुनाई या कल ये तुम दोनों को बातें सुनाएगी। अम्मा मेरी जारा ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी तरबियत की है हमने इसकी और हम इसका साथ देंगे। हाँ हाँ, दो साथ बेटी का, देखना तुम लोग एक दिन पछताओगे। मैंने तो पहले ही कह दिया था जिस दिन इसकी बात चली थी कि अगर ये एक साल भी गुजार गई ना तो बड़ी बात होगी। क्या मतलब है, आपको जरा ऐसी लड़की लगती है? आखिर आपको क्या दुश्मनी है मेरी बेटी से? मैं नहीं, तुम लोग दुश्मन हो इसके, बात मानो मेरी। बाबा मैं अपनी चीजें लेने जा रही हूँ और हम जा रहे हैं लॉयर के पास। कि आप लोग वापस चले जाएं, कोई फायदा नहीं है, वो लोग खुला के पेपर्स बनवा कर ही वापस आएंगे। वो खुद तुमसे माफी मांगने आया है, तुम क्यों बीच में अड़ंगा डाल रही हो? हसन तुम कहीं नहीं जा रहे बेटा, बैठो तुम, अभी आती है जारा से मिलके जाओ। सुनिए, आपसे बड़ी उम्मीद है मुझे, आप इस घर की बड़ी हैं, आप जब उसको कुछ कहेंगी तो मुझे यकीन है उसका दिल मोम हो जाएगा। मैं तो पहले दिन से यही कोशिश कर रही हूँ, मेरी सुनता कौन है इस घर में। अम्मी आपने नमाज पढ़नी थी ना, देर हो रही है आपको, आइए आप नमाज पढ़ें। ताकि तुम इन लोगों को घर से निकाल दो, मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं खड़ी हूं। जारा तुम घर जाओ, कागज मिल जाएंगे तुम्हें। जारा बेटा वो तुमसे माफी मांग रहा है बेटा, एक मौका और दे दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं। भरोसा नहीं रहा मैं, एक बार जब हाथ उठ जाए तो रुकता नहीं है, बार बार उठता है। ये तुमसे किसने कह दिया? अम्मी प्लीज, हम बात कर रहे हैं, आप हमें बात कर लेंगे। मैं समझा समझा के तुम्हें थक गई हूँ कि तुम अपनी बेटी से दुश्मनी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। प्लीज अम्मी, मैं बात कर रहा हूं, कोई सोच सकता है? इतनी पढ़ी लिखी बच्ची, डॉक्टर बच्ची, जिसकी इज्जत है, उसका शौहर उसके साथ ये सलूक करेगा घर में? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? हाँ बोलो, जवाब दो, तुम इंसान हो कि जल्लाद? अंदर करवाऊंगा मैं तुम्हें। जारा यार मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्लीज 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 जस्ट गिव मी वन चांस प्लीज। मैं तुम्हें चांस देके देख चुकी हूँ, तमाशा मत करो। जारा इतनी माफी मांग रहा है तुमसे, कुछ तो ख्याल कर। क्या कह रही हैं? हालत देखिए इसकी, और आप कह रही हैं कि कुछ ख्याल करो? हालत होती है, आपकी अपनी बेटी होती तो ये कहती हैं आप? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। देखिए मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, लेकिन मैं जारा से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बेटा क्या इसके अलावा भी तुम्हें इससे कोई शिकायत है? इसने तुम्हारा ख्याल ना रखा हो, तुम्हें काम पर जाने ना दिया हो, तुम्हारी तनख्वाह तुमसे मांगी हो, तुम पे शक किया हो, तो इसके बदले में मार खाती रहूं, या आप क्या कह रही हैं? नहीं बेटा, मैं बस ये चाहती हूँ उसके बदले में तुम इसको एक मौका और दे दो। ये बुरा इंसान नहीं है बेटा, किस्मत का मारा हुआ है, इसका गम मुझसे देखा। तुमने तो इसको जारो कतार रोते हुए नहीं देखा ना? मैंने देखा है, ये तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता बेटा, ये तुम इसकी जिंदगी की जरूरत हो, और ये कोई गैर नहीं है, तुम्हारा अपना शौहर है। एक
एक मौका और दे दो, बस बेटा घर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। प्लीज जहरा, जहरा प्लीज घर आ जाओ। चलो जहरा, चलो बेटे यहाँ से आ जाओ, चलो जहरा, लीव प्लीज, अच्छा लीव। नहीं जाने देगी अपनी बेटी को, कभी नहीं जाने देगी, मुझे पता है कोई फायदा नहीं इनकी मिन्नतें करने का। जारा तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना अपनी दादी की बातों से, उन्हें तो आदत है औरत को पांव की जूती समझने की। पहले सारी जिंदगी खुद मेरी बेइज्जती करती रही है और अब तुम्हारी बेइज्जती करवाने के लिए तैयार होगी। अब मैं वापस चली जाती हूँ। जारा हाँ, एक चांस ही तो मांग रहा है, दे देती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे लोग सुधरते नहीं है। आपने देखा ना कितना रो रहा था। अब तुम वापस जाने के जवाब ढूंढ रही हो जारा, ये क्या तरीका है कि पहले मारपीट कर ली फिर रो धो के माफी मांग ली, ये कोई नॉर्मल बिहेवियर है क्या बेटा? नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी जरा, वो आपको नहीं बताना। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा चिढ़ता है ना, मैं उससे मिलवाने की कोशिश कर रही थी, मैंने बेवकूफी की ना, जल्दबाजी कर ली। किसकी बात कर रही हो, कौन है, किससे चिढ़ता है वो छोड़े बस प्लीज, मैं उसको कॉल कर रही हूँ कि सुबह आके ले जाए। सारा प्लीज, पहले अपने बाबा से मशवरा कर लो फिर कॉल कर लेना। आपको पता है ना बाबा मेरी हर बात अंडरस्टैंड करते हैं। और तुम मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं करोगी? यार माँ, पता है दादू एक तरह से सही कह रही है, बुरा लड़का नहीं है, उसमें एक ही खराबी है, मैं उसको फिगर आउट कर लूंगी। वैसे आई प्रोमिस यू, दिल का बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है सारा, यही सबसे बड़ी गलती होती है, ये सोचना कि गुस्सा करता है और मारता है तो क्या हुआ, प्यार भी तो करता है। ये कैसा प्यार है कि औरत को उसके मकाम से गिरा दिया जाए, मारपीट की जाए। प्लीज, घर तोड़ना तो आसान है ना, घर बसाने के लिए एफर्ट करने का कह रही हूँ, एफर्ट तो करने दें प्लीज प्लीज।